सो दिस इज अल्टिमस इलाइट लैपटॉप बाय फुटोपिया। लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड ऑलमोस्ट पिछले 10 दिनों से मेरे पास पड़ा है, डेली में से यूज कर रहा हूँ एंड ये लैपटॉप मेड इन इंडिया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जिस प्राइस पे हमें लैपटॉप मिलता है एंड जो इसके अंदर हमें स्पेसिफिकेशन मिलती है, क्या वो एक्चुअल में वर्थ इट है बाय करने के लिए या फिर नहीं। देखो 26,990 रुपीज में आपको ये लैपटॉप मिलना स्टार्ट हो जाता है, बट इसका जो ब्लैक वाला वेरिएंट है ना वो आपको मिल जाएगा 29,990 रुपीज यानी कि 30,000 रुपए में। एंड ये जो लैपटॉप है वो आपको दोनों वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। एंड आज एक चीज देखनी है कि 27,000 वाले लैपटॉप में एक्चुअल हम गेमिंग कर सकते हैं क्या। बट मेनली ये जो लैपटॉप है वो है प्रोफेशनल सीरीज का, यानी कि स्टूडेंट, ऑफिस वर्क एंड आपका जो भी रेगुलर काम है वो सारी चीजें इस पे हो जाती हैं। लाइक अगर आपने मूवीज देखनी है, ईमेल्स वगैरह हो गए, ये सारे काम इजीली हो जाते हैं इस लैपटॉप पे बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले इसके डिजाइन को चेक करते हैं। थिन एंड लाइट सीरीज वाला लैपटॉप है एंड इसका वेट है ओनली 1.33 केजीज, विच इज वेरी इजी टू कैरी। एंड लैपटॉप की जो डिस्प्ले है उसके नीचे हमें अल्टिमस की ब्रांडिंग मिल जाती है और लैपटॉप की बैक साइड पे भी हमें सेम अल्टिमस की ब्रांडिंग मिलती है। बिल्ड क्वालिटी इसकी सारी प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन जो इसका इन हैंड फील है ना वो एज सच कोई प्लास्टिक फील नहीं होगा, काफी हार्ड सा मटेरियल फील होता है। एंड इसकी जो हिंज है वो भी अच्छी है। लैपटॉप को हम दोनों हाथों से ओपन करते हैं, सिंगल हैंड से ये लैपटॉप ओपन नहीं होता। देखो इसके डिजाइन में मुझे एक चीज काफी बढ़िया लगी कि लैपटॉप के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कोई प्रोसेसर या फिर जीपीयू वगैरह के स्टिकर्स नहीं है, एकदम ही क्लीन लुक है इसकी। एंड अपने पास ये ब्लैक कलर में है, लेकिन ये सेम लैपटॉप आपको सिल्वर एंड स्पेस ग्रे कलर में भी मिल जाएगा। नाउ डिस्प्ले, तो इसकी जो डिस्प्ले है ना, मान के चलो कि अपने बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले मिलती है हमें इस लैपटॉप के अंदर, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि इस पीरियड के अंदर आपको जितने भी मार्केट के अंदर लैपटॉप्स मिलते हैं ना, बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसके अंदर आपको FHD डिस्प्ले मिलती हो। अगर आपको एक दो लैपटॉप के अंदर FHD डिस्प्ले मिल भी रही है ना, तो उनके अंदर आपको IPS पैनल ही मिलेगा। लेकिन एकदम ही कमाल की चीज है कि लैपटॉप के अंदर आपको दोनों चीजें दे रखी है, 14.1 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS डिस्प्ले लैपटॉप में। एंड इसके फिर व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया है, किसी भी एंगल से लैपटॉप को देखोगे ना तो आपको एकदम ही सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। कलर्स काफी ब्राइट है, आपको पेंट में अगर आपने काम करना है या फिर प्रेजेंटेशंस पे काम करना है ना, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इस लैपटॉप की डिस्प्ले के साथ में। एंड इस पे तो मैंने फोटोशॉप भी चला के देखा, मैंने तो ये चेक करने के लिए यूज किया था कि एक्चुअल में इसकी परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी हमें, लेकिन यूज करते हो ना जब इसके कलर्स पे ध्यान गया तो आई वॉज लाइक यार सच्ची में इसके कलर्स काफी बढ़िया है। एंड जो फोटोशॉप है वो इजिली चल जाता है इस लैपटॉप के ऊपर, आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो एकदम ही लाइट। अब आते हैं लैपटॉप की मेन चीज पे, जो कि इसके स्पेसिफिकेशन। लैपटॉप में हमें i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। देखो पहले मुझे लगा कि 10th जनरेशन काफी पुराना प्रोसेसर हो चुका है, जो कि किसी हद तक सच्ची बात भी है, लेकिन ये लैपटॉप हमें जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ना वो काफी सही चीज है, क्योंकि 30,000 के बजट के अंदर ना आपको दूसरा ऐसा कोई भी प्रोसेसर नहीं मिलता जो इससे बढ़िया हो। 3.7 GHz तक ये प्रोसेसर काम करता है, विच इज ऑल्सो नॉट बैड। 4 Core 8 Threads वाला प्रोसेसर है ये, मल्टी टास्किंग इजिली हो सकती है इसके ऊपर। जैसे आपने काम करते हुए मल्टीपल क्रोम टैब्स को ओपन करना है ना, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको लैपटॉप में। 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, जिसे आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। देखो लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिल रही है, उसकी वजह से मल्टी टास्किंग बहुत ही बढ़िया से हो जाती है। अगर आपने मल्टीपल क्रोम टैब्स को ओपन करना है, उसके अंदर आपको कोई भी लैग नहीं फील होगा। जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हुए अगर आपने ई बुक रीड करनी है या फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने हैं, मतलब कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक टाइम पे आप ओपन कर सकते हो एंड ये सब करते हुए आपका लैपटॉप लैग नहीं होता। देखो रैम की जो हमें इतनी ज्यादा एक्सपेंशन ऑप्शन मिल रही है ना, वो आपको इसी पीरियड के दूसरे किसी लैपटॉप में नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो मेरे अकॉर्डिंग 16GB तक की रैम मोर देन इनफ रहेगी इसके लिए। स्टोरेज भी काफी बड़ी है इसकी, 512GB की NVMe SSD मिल जाती है, ज्यादातर यूजर्स के लिए मोर देन इनफ है, बट इन केस हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिल जाती है लैपटॉप में, MS Office प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग MS Office होना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेशनल सीरीज में स्टूडेंट एंड ऑफिस यूजर्स के लिए लैपटॉप है। बट एनी हाउ अगर इसके अंदर हमें MS Office मिल जाता, फिर वहीं इसका प्राइस 3-4 हजार रुपए बढ़ जाता, लेकिन इस पे जो आपकी गेमिंग है ना वो हो जाएगी। अब वो कैसी होती है, बढ़िया होती है या फिर अच्छी नहीं होती, वो चीज आपको आगे पता चलेगी। नाउ ग्राफिक्स, तो लैपटॉप में आपको इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड। अब ये जो ग्राफिक्स है ना, ये इंटेल के SD एंड USD इन दोनों से बेटर है। एंड ज्यादातर आपको इसी पीरियड के अंदर जितने भी लैपटॉप मिलते हैं ना, जनरली उनमें हमें इंटेल के SD और USD ग्राफिक्स ही दे रखे हैं, तो इसके ग्राफिक्स ज्यादा बेटर है। हमने इसके ऊपर ना बेंचमार्क्स भी रन किए, काफी डिसेंट रिजल्ट है इसके। सिनेबेंच R23 स्कोर्स की बात करें तो सिंगल कोर 1047 है, मल्टी कोर 3048। गीगबेंच के स्कोर्स आपके सामने है, सिंगल कोर 1654 एंड मल्टी कोर 3716। PC मार्क 10 सब कुछ चेक करता है, जितने भी जनरल यूजेज वाले प्रोसेस है, ब्राउजिंग, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, MS ऑफिस, सारे स्कोर्स आपके सामने है, जो कि एक्चुअल में काफी बढ़िया रिजल्ट है एज कम्पेयर टू बाकी अदर ऑप्शन ऑफ दिस बजट। लाइक इसी बजट के अंदर हमें इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है i3 वाला, उससे तो काफी बढ़िया है।
अब देखो इसके कीबोर्ड की बात करते हैं तो की डिस्टेंस ठीक है, टाइपिंग में आपको कोई भी इशू नहीं मिलने वाला, बैकलेट कीबोर्ड नहीं है एंड इस बजट के लैपटॉप के अंदर बैकलेट कीबोर्ड जनरली होता भी नहीं है, नंपैड नहीं मिलता लैपटॉप के अंदर, इसकी जो स्क्रीन है ना उसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड काफी बड़ा है एंड शॉर्टकट कीज भी दे रखी है इसके अंदर लाइक होम पेज, पेज अप, पेज डाउन एक्सेट्रा। एंड इसका जो ट्रैक पैड है वो भी ऐसा कोई छोटा नहीं है, डिसेंट साइज का ट्रैक पैड है, आपके सारे काम बड़े इजिली हो जाते हैं इसके ऊपर। ओवरऑल कहूँ तो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड दोनों चीजें बढ़िया इस लैपटॉप की। अगर हमने कभी कभी इसके ऊपर ओकेजनल गेमिंग करनी है तो वो चीज इसके ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि इस पे मैंने CS:GO, वैलोरेंट के साथ ही आउटलास्ट गेम खेली एंड तीनों में चार्जर लगा के मैं गेम प्ले कर रहा था, परफॉर्मेंस आपके सामने है। डिफॉल्ट सेटिंग पे सारी गेम्स चल रही हैं, CS:GO में हमें ये 60 FPS के आउटपुट दे रहा था एंड वैलोरेंट में हमें मिल रही थी 50-60 FPS के आउटपुट एंड आउटलास्ट में भी हमें 55-60 FPS तक के आउटपुट इजिली मिल रही है लैपटॉप में। इन शॉर्ट सारी इसी क्लास की जितनी भी गेम्स है ना वो इसके ऊपर प्लेबल है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, राइट साइड पे हमें लैंड पोर्ट मिल जाती है और एक टाइप ए USB पोर्ट है, हेडफोन जैक के साथ ही मेमोरी कार्ड स्लॉट भी इसके अंदर दे रखा है, एंड लेफ्ट साइड में पावर पोर्ट है, एक USB टाइप ए पोर्ट मिल जाती है, HDMI पोर्ट है एंड साथ में टाइप सी भी दे रखी है। लैपटॉप के लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमें एयरबैंड नहीं मिलते, एयरबैंड लैपटॉप के बॉटम पे है, वाईफाई डुअल बैंड दे रखा है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया लैपटॉप में। नाउ द थिंग, इसके अंदर आपको 2 MP का HD वेबकैम दिया गया जिससे आपकी मीटिंग्स एकदम ही बढ़िया से हो जाती है। 2 स्टीरियो स्पीकर्स हैं लैपटॉप में, यानी कि जब भी आपने कंटेंट वॉच करना है ना तो आपको बहुत ही बढ़िया स्पीकर की आउटपुट मिल जाती है एंड जो इसकी साउंड आउटपुट है ना वो मतलब कि मोर देन इनफ है, काफी लाउड एंड एकदम ही क्लियर साउंड है इसकी। बैटरी की बात करें तो बैटरी हमें 46 वॉट आवर्स की दे रखी है इसके अंदर। देखो लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है ना वो डिसेंट है, कंपनी क्लेम करती है कि 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, बट मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ना जब मैं इसे यूज कर रहा था तो इस लैपटॉप ने 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली दे दिया था ऑन नॉर्मल यूजेज एंड उसके दौरान मैंने कंटेंट वॉचिंग करी, कंटेंट राइटिंग करी है एंड जो भी बेसिक काम होते हैं ना, ईमेल्स वगैरह होगी या फिर मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, ये सारे काम मैंने इस लैपटॉप के ऊपर करके देखे थे, तो एकदम ही डिसेंट सा बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। 65 वॉट्स का अडैप्टर है जो कि लैपटॉप के साथ हमें मिलता है। नाउ वारंटी की बात करें तो 1 साल की ऑन साइट वारंटी के साथ हमें लैपटॉप मिल जाएगा और हाँ, इसकी जो वारंटी आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो सही में टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया इस पीरियड के अंदर, दूसरा ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कि आपको इतने पैसे में इतना बढ़िया प्रोसेसर दे रहा हो और साथ में 8GB की रैम है, 512GB की SSD मिल रही हो लैपटॉप में और ऊपर से दोनों ही चीजें एक्सपेंडेबल भी है, टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बन जाता है उससे। आप इसे रेगुलर यूजेज के लिए यूज कर सकते हो, ओकेजनल गेमिंग भी हो जाती है इसके ऊपर, अगर आपने ऑफिस के काम करने, इनवॉइस निकालने, ईमेल्स चेक करनी है, स्कूल या फिर कॉलेज के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो, मतलब के जैसे मर्जी आपने बेसिक काम करने है ना अपने लैपटॉप के ऊपर वो सारे इसके ऊपर हो जाएंगे। बेसिक यूजेज के लिए आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर कर सकते हो, इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, पीस आउट।